गाइस नॉर्मल सेल्फी स्टिक तो आप सभी लोगों ने यूज करी होगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2-in-1 ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक। तो गाइस तो ये ब्लॉगर्स के लिए काफी बढ़िया सेल्फी स्टिक है, इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका रिव्यू देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये स्टिक कितने काम की है। सो गाइस इसमें आपको मोबाइल लगाने के लिए इसको आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो गाइस तो यहाँ पर दो यहाँ पे प्लास्टिक के लगे होंगे, तो इन्हें आपको इस तरीके से खोल लेना है, तो आपका मोबाइल लगाने का बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसे खोल के इस तरीके से यहाँ पे इसमें आप मोबाइल लगा सकते हैं अपना। और गाइस इसको आप कितने भी डिग्री एंगल पर टिल्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप इसे आराम से घुमा सकते हैं पूरा 360। और गाइस इसका दूसरा फीचर जो आपको देख के इसमें कुछ पता नहीं चल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं इस स्टिक को, आप पूरा देख सकते हैं, तो कहीं से भी इसमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक स्टैंड भी है। जी हाँ गाइस, तो फिर इस स्टिक के अंदर आपको एक स्टैंड भी मिलता है, तो फिर वो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो आपको नीचे इसके पैर दिखाई दे रहे होंगे, तो वो आपको कुछ इस तरीके से खोल लेने हैं। तो यहाँ पर ये एक स्टैंड बन चुका है, फिर आपको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। तो आप इसको एक स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं गाइस। तो ये ब्लॉगर्स के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि वो लोग जो अपना ब्लॉग इस तरीके से बना रहे होते हैं, तो वो कहीं पर इसको रख कर भी अपना ब्लॉग शूट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कहीं पर भी रख के अपनी शूटिंग कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट है इसके लिए। और मैं आपको इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ मोबाइल से। तो फिर यहाँ पर आपको इसका बटन दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको ऐसे स्टैंड पर रख देंगे, तो आप दूर से ही इस बटन से क्लिक करके अपनी फोटो या फिर वीडियो जो भी आप क्लिक करना चाहते हैं वो इससे बना सकते हैं गाइस। तो ये आपको अलग से मिलता है बटन, कुछ इस टाइप का बटन है ये। सो गाइस तो जब इसके बीच के बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फिर ये ऑन हो जाएगा, तो इसमें ब्लू कलर की लाइट जलने लगेगी अंदर। फिर आपको अपना मोबाइल लेना है और उसमें आपको इसका ब्लूटूथ ढूंढना है। सो गाइस तो इसके ब्लूटूथ का नाम आपको YANGXIN करके मिलता है, तो आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। और इसको कनेक्ट करने के बाद अब आपका फोन फोटोज या फिर वीडियोज बनाने के लिए रेडी है। तो अब आप इस बटन से कितनी भी दूर से फोटो या वीडियो खींच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। सो गाइस तो ये रहा इसका बटन और ये रहा हमारा मोबाइल। तो अब मैं इसको इस तरीके से कुछ यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे फोटो खिंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपको आवाज आई होगी, इससे फोटो क्लिक हो चुकी है, देख सकते हैं आप इससे फोटो खिंच चुकी है। तो गाइस तो इस बटन से आप कुछ इस तरीके से फोटो खींच सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे स्टैंड में लगाकर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको इस पे कुछ इस... तो गाइस तो कुछ इस तरीके से आपको इसे अपने स्टैंड में लगा लेना है। आपको अपना ये लेना है स्टैंड, और उसके बाद आपको अपना मोबाइल इसके बीच में रखना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल को इसके बीच में लगा सकते हैं, और ये हमारी सेल्फी स्टिक रेडी है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं टेढ़ा, आप देख सकते हैं इस तरीके की हमारी कुछ सेल्फी स्टिक है। और गाइस वीडियो बनाने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, तो इस तरीके से रख के आप इससे वीडियो वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल सेल्फी स्टिक है, क्योंकि इसमें काफी सारे आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइस तो फिर यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।